नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। और आज हम आपके सामने फिट मॉब वर्कआउट के कुछ ड्रिल्स दर्शाने वाले हैं। फिट मॉब वर्कआउट, जैसे कि आप जानते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया से लिए गए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो मिक्स मार्शल आर्ट्स वर्कआउट में हम किन एक्सरसाइजेस पर ध्यान देंगे? हम ज्यादातर बॉक्सिंग, किकिंग और ग्रैपलिंग यानी कि रेसलिंग या कुश्ती, इन एक्सरसाइजेस पर ध्यान देंगे। तो फिट मॉब वर्कआउट शुरू करने से पहले जरूरी बन जाता है कि आप बॉक्सिंग के कुछ बेसिक्स, किकिंग के कुछ बेसिक्स और ग्रैपलिंग यानी कि रेसलिंग के कुछ बेसिक मूवमेंट्स ध्यान से समझ लें। तो दोस्तों, आज हम बॉक्सिंग के कुछ बेसिक मूवमेंट्स समझने की कोशिश करेंगे। पर इसके पहले कि हम इन बॉक्सिंग ड्रिल्स पर ध्यान दें, बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि फिट मॉब वर्कआउट जो है आपको कोई प्रोफेशनल फाइटर या बॉक्सर नहीं बना देगा। ये आपके हेल्थ और फिटनेस के लिए, इसका मतलब है इन एक्सरसाइजेस या मूवमेंट से आपकी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, मोबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, क्विकनेस और पावर इंप्रूव होगी। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। सबसे पहली चीज जिसके तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो है बॉक्सिंग। जब आप बॉक्सिंग करेंगे या पंचेस थ्रो करेंगे तो आप शैडो बॉक्सिंग करेंगे यानी हवा में पंचेस करेंगे। आपको किसी भी किस्म की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप किसी गार्डन में, अपने बिल्डिंग की छत पर, घर पर या समुन्द्र किनारे ये शैडो बॉक्सिंग मूवमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप किसी इम्प्लीमेंट का या इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्पीड बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बैग में किसी भी किस्म का इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स पर यानी आपके नकल्स, आपके रिस्ट, आपके एल्बो, आपके शोल्डर पर नहीं होगा। इसमें कोई भी इंजरी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही हल्का बैग। इसके अलावा अगर आप हैवी बैग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल बॉक्सर्स या फाइटर्स हैं वो रैप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते हैं। अब हम एमएमए ग्लव्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ बॉडी वेट मूवमेंट्स जो है जैसे क्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग, वो हम बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ नहीं कर सकते। पर फिर भी अगर आप हैवी बैग का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉक्सिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए। ज्यादातर प्रोफेशनल फाइटर्स जो है वो पंच थ्रू द टारगेट करते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर के साथ वो पंचिंग करते हैं। पर हम क्योंकि हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव करने के लिए ये कर रहे हैं, हम स्नैपिंग पंचेस, मतलब छोटे पंचेस जिसमें हम मार कर पंच को अपनी तरफ ले आए, रिकॉइल करें, छोटे पंचेस मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम एक्सटेंशन के साथ नहीं करेंगे। अगर आप स्पीड बैग पर वो कर रहे हैं इस तरह, तो आप अपने आर्म्स का फुल एक्सटेंशन और थोड़ा पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हैवी बैग पर ध्यान रहे कि आप स्नैपिंग पंचेस का इस्तेमाल करेंगे, धीरे से पंच करेंगे, स्पीड से कर सकते हैं पर पावर से नहीं, ठीक है? तो किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है बॉक्सिंग करते समय। आप शैडो बॉक्सिंग करके भी इस वर्कआउट का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले हम ये जान लें कि बॉक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, टू हिट एंड नॉट गेट हिट। इसका मतलब है आप तेजी से ओपोनेंट के रेंज में जाके उसे अटैक कर सकते हैं पर ओपोनेंट आपको अटैक नहीं कर पाए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपको तेजी से बॉक्सिंग के रिंग में या इस वर्कआउट में मूव करना पड़ेगा एक तरफ से दूसरी तरफ ताकि आप हिट ना हो जाए, ताकि आपको ओपोनेंट का पंच ना लगे। तो इसलिए फुटवर्क बहुत जरूरी है। तो हम बॉक्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फुटवर्क ड्रिल्स सीख लेंगे। इसके पहले हम बॉक्सिंग का स्टांस समझ लेते हैं। जब आप बॉक्सिंग के स्टांस में खड़े हो जाते हैं, आपका एक पैर आगे की तरफ और दूसरा पैर 45 डिग्री एंगल पर होगा। आप नीज को थोड़ा बेंड रखेंगे ताकि आप आगे पीछे लेफ्ट राइट बड़ी आसानी से मूव कर सके। तो नीज को बेंड रखिए,
एक पैर आगे एक पैर 45 डिग्री एंगल पर, अपना चिन नीचे की तरफ रखिए ताकि एक्सपोज ना हो। अपने हाथों से आप अपना गार्ड, ये बॉक्सिंग का गार्ड होता है जिससे आप अपने चेहरे और अपने अपर बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका बॉक्सिंग स्टांस, ठीक है। तो फुटवर्क जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं। नीज को आपने बेंड रखा है तो हम आगे की तरफ शफल करेंगे और पीछे की तरफ शफल करेंगे, मतलब जब आपका पीछे का पैर आगे आता है आपके आगे वाला पैर और आगे चला जाता है, इसको कहते हैं शफल। ये एक बेसिक बॉक्सिंग फुटवर्क है, आप स्टांस स्विच करके आगे पीछे शफल करेंगे, लेफ्ट राइट भी आपको शफल करना बड़ी आसानी से आना चाहिए, और बॉक्सिंग स्टांस में रह के भी आपको शफल करना आना चाहिए, नहीं तो आप बॉक्सिंग करते वक्त अपना बैलेंस खो बैठेंगे। इसके बाद जो बहुत ही कॉमन बॉक्सिंग फुटवर्क है वो है बाउंडिंग या बाउंसिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉक्सर्स जो है बहुत तेजी से अपने अपोनेंट की तरफ जाते हैं और उसे पंच करके बाहर निकल आते हैं। तो आप ओपोनेंट के रेंज में गए और बाहर निकल आए, तो ये बेसिक बाउंसिंग जो है आपको बड़ी आसानी से आना चाहिए, आगे पीछे लेफ्ट टू राइट। तो ये सेकेंड ड्रिल है बॉक्सिंग फुटवर्क का जो बहुत जरूरी है आपकी स्पीड एजिलिटी और क्विकनेस बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम सीखेंगे स्टेप एंड ड्रैग। जब बॉक्सर्स थक जाते हैं और बाउंस नहीं कर पाते हैं या दूसरे शफलिंग नहीं कर पाते हैं, तो अपनी थकान को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए वो करते हैं स्टेप और ड्रैग। स्टेप और ड्रैग मतलब जैसे वो आगे की तरफ स्टेप करते हैं पीछे वाला पैर ड्रैग करते हैं, या पीछे की तरफ जाते हैं तो आगे वाला पैर ड्रैग करते हैं। स्टेप ड्रैग स्टेप ड्रैग। तो जब बॉक्सर्स थक जाते हैं इस फुटवर्क का वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फुटवर्क है जिसे करते हैं स्टेप एंड पिवट। मतलब आपको अपने ओपोनेंट को सरप्राइज करना हो तो आप स्टेप करेंगे, नीज को बेंड रखेंगे और जो पीछे वाला पैर है उसे घुमाते हुए पिवट करेंगे। स्टेप पिवट पंच स्टेप पिवट स्टेप पिवट। तो सामने वाले को ओपोनेंट को चौंकाना, अचानक उसे अटैक करना बहुत जरूरी बन जाता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है स्टेप एंड पिवट, जिससे आप अपने ओपोनेंट को चौंका सके और अचानक उसे अटैक कर सके। तो इन बॉक्सिंग फुटवर्क ड्रेस का ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे इफेक्टिव मूवमेंट सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप को डाउनलोड करके फिट मॉब वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।